नमस्कार विवेक गुप्ता, आपका स्वागत है और बहुत खुशी होती है कि जो मुझे आपका प्यार मिलता है, और इसलिए मैं कल बिजी हो गया। परसों के रिजल्ट को देख के, परसों की रैंक्स को देख के, कल आई थिंक आई गेव मोर देन 10 अपॉइंटमेंट्स फेस टू फेस। तो आप इमेजिन कीजिए, मैं तकरीबन 10 घंटे तो लोगों से आमने सामने बैठ के बात कर रहा था, बीच बीच में अपने करंट क्लाइंट्स का काम कर रहा था, और इसलिए ये वीडियो मैं बहुत आप लोगों के लिए बनाना चाहता था। तो आज सुबह सुबह उठ के बना रहा हूँ, अभी 6 बजे का टाइम है, और इससे पहले कि वर्किंग डे स्टार्ट हो, तो आप सबको थोड़ा धैर्य देने के लिए और थोड़ी सच्चाई बताने के लिए। एक तो जब इस तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, तो जो फ्रॉडी फ्रॉस्टर्स होते हैं वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं आपकी डेस्परेशन का। लेकिन डेस्परेट मत होइए, जो सच्चाई है वो भी समझिए। तो देखिए, अगर आप मेरे सारे चैनल के वीडियोस देखोगे, मैं हमेशा समझाता हूँ कि हम डे टू डे भाषा के लिए बोल देते हैं 340 में मिलेगा, 260 में मिलेगा, असली में तो सारा जो खेल है वो रैंक का है। और सबसे पहले दो तरह के कॉलेज है, सरकारी प्राइवेट, क्योंकि सरकारी में कैटेगरी रैंक भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि आपको तो कैटेगरी से आपसे सीट मिलनी है। और कल ही मैंने जो आपको जर्नल और ओबीसी वाला फंडा दिया है, प्राइवेट में भी किन्हीं किन्हीं स्टेट्स में रिजर्वेशन है, तो वहाँ पर फिर कैटेगरी रैंक इंपॉर्टेंट होगी, पर फिलहाल उसकी बात नहीं करते। लेट्स से यूपी स्टेट को पकड़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ और बड़ा अच्छा आपको फॉर्मूला दूंगा जो आप पैनिक कर रहे हो ना। क्योंकि देखिए, आप ऐसे मोस्टली जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, दैट मीन्स कि आप थोड़े से अवेयर हैं, थोड़े से जानकार हैं, पहली बात तो ये हो गई। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, आप चाहे मेरे चैनल पे, चाहे किसी और अच्छे चैनल्स पे, आप टेलीग्राम्स पे, आप के पास लास्ट ईयर की कट ऑफ्स आई जाती है। अब उन कट ऑफ पे ना नंबरों को मत देखिए, ऑल इंडिया रैंक को देखिए। बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ, तो लास्ट ईयर जो यूपी के नॉन माइनॉरिटी कॉलेज हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, उसमें से कम एडमिशन हुआ था 236 नंबर पे। अभी होती है डे टू डे भाषा की बात, बट जो आपको ध्यान देना होता है वो होता है 593,000 रैंक, ठीक है। तो जो बच्चे का एडमिशन हुआ था उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 593,000। इस साल फिर मेरे पास एक क्लाइंट का बाईचांस पेपर सामने ही पड़ा है, तो रफली स्पीकिंग 331 नंबर पे 534,000 रैंक है। तो हम 600,000 रैंक का एग्जांपल लेते हैं, और मैं मान के चलता हूँ कि 600,000 रैंक कोई 620 नंबर पे है। देखिए, मैं और रिसर्च करूँगा तो हमारे बड़े सारे क्लाइंट्स को पेपर आ चुका है, तो एग्जैक्ट पता भी चल जाएगा। लेकिन एक रफली स्पीकिंग मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो 600,000 रैंक है तकरीबन, वो हमारी अब किस नंबर पे है इस साल, नहीं ये तो 521 और अच्छा है, 337 थे बच्चे के नंबर, ये हैं 331, थोड़ा से कम कर लेते हैं, 310-15 का भी मेरे पास एक आया हुआ है, एक बार मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। और आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, तो आपको बहुत आपका डर परेशानी सब खत्म हो जाएगी। हाँ, ये सही था। तो लेट से एग्जैक्ट 305 नंबर पे 604,000 रैंक है, 305 नंबर पे इस साल 604,000 रैंक है। तो हमें वापस करना है, तो हम मान के चलते हैं कि 600,000 जो रैंक होगी वो होगी 308-310 नंबर की, रफली 310 पकड़ लेते हैं। तो पिछले साल के 232 नंबर बराबर हो गए इस साल के 310 नंबर के, क्योंकि पिछले साल 232 में 600,000 रैंक थी 593,000, इस साल हमारे 600,000 रैंक हमारी है 307 नंबर पे, ठीक है, समझ गए ना, 232-307। तो हमें तो कंपटीशन देखना है कि हमारे ऊपर कितने बच्चे और हैं। सो लास्ट ईयर 232 नंबर के ऊपर 593,000 थे, मैं फिर से आसान भाषा के लिए 600,000 बोल रहा हूँ, तो 232 के ऊपर 600,000 बच्चे थे, या अगर 593,000 रैंक थी तो हम 230 मान लेते हैं। इसी साल वही 308 नंबर के ऊपर है। तो दिमाग में ये लेकर आइए कि आपके अगर इस साल 308 नंबर हैं, तो पिछले साल के हिसाब से आपके नंबर हो गए 230, ठीक। ऐसे ही आप हर एक में देख सकते हैं, अगर आपके नंबर इस साल 530 हैं, रफली स्पीकिंग वो बन रहे होंगे पिछले साल के हिसाब से 415। आपके इस साल 400 नंबर हैं, जो मैं मोटा मोटी कह सकता हूँ, जो 200 से 450 की रेंज में इस साल जो नंबर आए हैं, आप इसको पिछले साल के हिसाब से 100 के करीब कम कर सकते हैं। या जैसे अभी हमने 80-90 करा ना, कि 230 और हमने 310 करा, तो 80 मार्क्स हो गए। तो आपके अगर इस साल 520 आए हैं, तो रफली स्पीकिंग आपके पिछले साल 430 के करीब बन रहे हैं। मतलब आपको रैंक देखना है, आपने देखा आपके इस साल रैंक कितनी है, उस रैंक में पिछले नंबर कम कितने, क्योंकि अब जनरली आप सब लोग पिछले साल की
कट ऑफ को ट्रैक करें और वही कीजिए। 2022 में तो मैं हमेशा समझाता हूँ ना, इकोनॉमी की वजह से बहुत डाउन था, समझ में आ गया आपको। अब आपको पता है कि आपके 300 नंबर हैं, अगर आपके 340 नंबर हैं, रैंक बहुत आपको कम दिख रही है, पर कोई बात नहीं, 310 के ऊपर 340 हैं तो पिछले साल के हिसाब से वो 232 के तो ऊपर ही है ना, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज यूपी का मिल जाएगा नॉन मेनल्टी वाला सस्ती फीस का, क्लियर। सिमिलरली अगर आपके 540 नंबर हैं तो इक्विवेलेंट वो 450 के बराबर हो गए, तो भाई 450 में भी कलिंगा भी मिलता है, IMS उड़ीसा भी मिलता है, JLN बिलागा भी मिला था, GSS मैसूर भी मिला था, लेकिन इतना पैनिक क्रिएट हो गया है कि 540 वाले घबरा रहे हैं। मेरे क्लाइंट है मतलब वो परेशान हो, तो मुझे आप कह लो उन जैसे वाले वीडियो बना रहा हूँ कि 530 नंबर आके अभी टेंशन में आ रहे हैं कि जी सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे 530 पिछले साल के 440 के बराबर हो गए, लेकिन 440 में भी तो जॉली ग्रांड मिला था, कलिंगा मिला था। हाँ अगर 530 से देखोगे कि 530 में तो टाटा मणिपाल भी मिल गया था, वो नहीं मिल रहा इस साल। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, एक तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके नंबर 300 के ऊपर हैं तो आपको सीट मिल जाएगी, वो भी यूपी में सर फ्री वाली, क्योंकि 232 था मिनिमम कट ऑफ। इसी तरह अगर हरियाणा का MMU साधोपुर 200 नंबर पर मिल गया था तो इस साल आपको 280 पे भी मिल जाएगा, आप खाली नहीं बैठोगे। जो मिनिमम कॉलेज था नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूँ, या सोलन, तो वही 240 में मिला था, तो उसके लिए फिर से 330 चाहिए। इस तरह आप एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन कर सकते हो। अब वही दूसरा एंगल, अगर आपके नीट में 300 से कम नंबर हैं तो यूपी का नॉन मेरिटी मतलब सस्ता कॉलेज तो नहीं मिलेगा, ठीक है, हरियाणा में भी एक साधोपुर मिलेगा, सोलन मिलेगा, तो वो हायर रेंज पे जाएगा। तो अगर सबसे सस्ता ही जो हरियाणा में मिला था 82-83 लाख के पैकेज का झज्जर, जो वैसे मेरी नज़रों में बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है जाने के लिए, तो आपके 280 नंबर होने चाहिए। तो अगर आपके 250 नंबर हैं और लास्ट ईयर के हिसाब से आप देख रहे थे तो नहीं होगा। तो ये भी मैं रफली आपको कह सकता हूँ कि अगर आपके 300 से कम नंबर है इस साल, ठीक है, तो शायद हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको 1 CR से कम का कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि 300 का मतलब होगा कि पिछले साल के हिसाब से आपके 225 नंबर हैं। तो उसमें आपको साधोपुर भी मिलता है, या सोलन भी मिलता है, तीर्थांकर महावीर मिलता है, तो सबका पैकेज 1 crore जाएगा। तो ये भी पक्की बात है कि अगर नीट में इस बार आपके 300 से कम है, क्योंकि वो मोटा मोटी पिछले साल के 225 हो गए, तो फिर 1 CR से कम का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो 1 CR का बजट है तो पक्का मिल जाएगा, ये भी तसल्ली रखिए, ठीक है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और अगर नए कॉलेज खुल गए अगले 15-20 दिन में तो फिर ये सब एनालिसिस थोड़ा चेंज भी हो सकता है। तो 300 से अगर कम नंबर हैं तो एटलीस्ट 1 CR से कम का कॉलेज नहीं मिलेगा। दो इस बार 200 में है तो समझ लो पिछले साल के वो 150 के बराबर हो गए, विच मीन्स आप नीट क्वालिफाई तो हो पर आप जस्ट मार्जिन पे हो, तो उसमें तो या तो आप शुरू में ही बालाजी वगैरह टाइप के कॉलेज उठा लीजिए जो तमिलनाडु डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जस्ट 28 लाख साल की फ़ीस है, या यू हैव टू गो थ्रू दी वही अपना फेमस NRI ऑफ MP और ओ कोटा ऑफ कर्नाटका, और वी आर ऑल वेटिंग फॉर राजस्थान न्यू रूल्स कि इस साल थर्ड राउंड ऑफलाइन होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैंने अपने सब क्लाइंट्स को बोला है कि हफ्ता और रुक जाइए बिफोर कमिटिंग टू राजस्थान और एनी प्लेस एल्स। तीनों जगह ऑप्शंस हैं, हम काम कराते हैं। मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि ड्रेड कॉलेज को अप्रोच मत कीजिए, कॉलेज आपको ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं, बजाय कि कंसल्टेंट, अच्छा कंसल्टेंट आपको फिर भी हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास एज ए पूल हम 3-4 कंसल्टेंट मिलके हमने 100 सीटें ले रखी होती हैं MP के हर कॉलेज में, 4-5 कर्नाटका के, राजस्थान के, टोटल मिला के तो एक्चुअली हाँ 20 कॉलेज अगर हम करते हैं टोटल, जैसे 20 से ज़्यादा ही करते हैं तो 100 भी नहीं, कुछ 125-130 हो जाती हैं। तो हमको ये पता है कि ठीक है अगर आप बच्चे का यहाँ नहीं हो रहा तो उसको किसी और कॉलेज में सेटल कर देंगे, और ये भी हो सकता है कि अगर आपका पहले दो राउंड में किसी दूसरी जगह हो गया तो फिर आपको कर्नाटका में या राजस्थान में जाना ही ना पड़े। वो सब मैनेजमेंट होता है जो कि अच्छा कंसल्टेंट कर सकता है, जो रिलायबल भरोसेमंद हो। तो वो अलग चैप्टर था, पर आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो वैसे पैनिक होने की ज़रूरत है, अगर आपके 270 नंबर है, 280 नंबर है और आप यूपी की 70 लाख रुपए की सीट का आईडी लगा के बैठे हुए थे, तो वो मिलना इस बार काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। नॉर्थ के लोग जो भाई तेलंगाना वगैरह जाना चाहते थे, अपोलो वगैरह हैदराबाद से जाना चाहते थे, वही जो कट ऑफ लास्ट ईयर कहने को 480 थी, 470 थी, उसको इस साल 530-540 मान लीजिए, राइट। तो आपको रैंक टू रैंक देखना है, बस रैंक टू रैंक। तो लास्ट ईयर कट ऑफ को भी, जो भी आपके पास पर्चे पड़े हैं, नंबरों को देखने के बदले रैंक को देखिए, ऑल इंडिया रैंक, जहाँ पर कैटेगरी का कोई चक्कर है ही नहीं, यूपी में नहीं है या हिमाचल में नहीं है आउटसाइडर के लिए, या हरियाणा में नहीं है या राजस्थान में नहीं है, वहाँ पर आपने डीम्ड में तो बिल्कुल ही नहीं है जो MCC काउंसलिंग होती है, तो आप उस हिसाब से देखिए। जहाँ पर भी कैटेगरी वो है, कैटेगरी रैंक को देखिए, लास्ट ईयर कैटेगरी रैंक, इस साल कैटेगरी रैंक,
तो मार्क्स तो हम डे टू डे भाषा में इस्तेमाल करते हैं, वी ऑलवेज हैव टू स्पीक अबाउट रैंक, ओके। तो फिर से घबराइए मत, अगर आपके नंबर 310 के ऊपर हैं तो यूपी का भी सस्ता कॉलेज मिल जाएगा। मैं बार बार सस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि चाहे थोड़े कम भी हैं तो फिर यूपी का महंगा मिल जाएगा। तीर्थांकर महावीर तो थोड़े कम मार्क्स पर मिल गया था ना लास्ट राउंड में, तो उसकी चिंता मत कीजिए। इंटीग्रल मिल गया था थोड़े कम मार्क्स पे, अगर हम यूपी में पढ़ रहे हैं तो वो सब हो जाएगा, पैनिक मत कीजिए, काम होगा। लेकिन हाँ, नंबर कम है अगर और अच्छा कॉलेज चाहिए तो फिर आपको बुकिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है फॉर MP, राजस्थान या कर्नाटका, और उतना बजट नहीं है। तो फिर इस समय नेपाल का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, तो आप नेपाल को कंसीडरेशन कर सकते हैं। पूरे जून में उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो कंपलसरी होता है वो ऑनलाइन फॉर्म भरना, नहीं तो फिर आप नेपाल के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और वो सब भी नहीं है तो फिर जिंदाबाद बाकी कंट्रीज़, अगर आपको MBBS ही परस्यू करना है, रशिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान टाइप की, और नहीं तो कुछ और कोर्स भी कर सकते हैं। तो लाइफ डजंट एंड और फिनिश, डोंट वरी एट ऑल, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी सब बेचारे पैनिक कर रहे हैं वो ना हो, और हमसे 1-to-1 संपर्क करके 1-to-1 स्पेसिफिक काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हैं, यू नो अवर नंबर 9643362320। एंड फर्स्ट कॉल इज़ ऑल जस्ट टू स्टार्ट एंड नो इच अदर, अवर जॉब इज़ टू हेल्प यू गेट फुल एडमिशन। हम आपके रिपोर्टिंग नहीं, हॉस्टल में जाने नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आने तक आपके साथ चलते हैं, और उसी चीज़ की हमारी फ़ीस होती है। और MBBS इंडिया में मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ही आप सब लोगों से डायरेक्टली बात करता हूँ, तो कई मेरे क्लाइंट्स भी कह रहे हैं कि सर आप कैसे 100 लोगों से बात करोगे। मैंने कहा भाई नथिंग हैपन्स इन वन नाइट। तो परसों हम आप सब घबरा गए थे रिजल्ट देख के, कल काफ़ी लोगों से बात की, आज काफ़ी लोगों से बात हो जाएगी। तो जितने हमारे करंट क्लाइंट्स हैं, आई थिंक सबके साथ हम बैठ के स्ट्रैटेजी को रीवर्क कर पाए 3 दिन के अंदर, तो यही असली में होता है, टेंशन की कोई बात नहीं होती। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और मैं सुबह सुबह इसलिए बना के डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों का दिन और रात इतनी ख़राब ना हो। टेक केयर।